सावन के चौथे सोमवार पर सिरोंज में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 5,000 लोग शामिल हुए। बता दें कि यह कांवड़ यात्रा 12 किलोमीटर दूर देवपुर के पौराणिक शिव मंदिर तक निकाली गई। साथ ही इस कांवड़ यात्रा में कई सुंदर कांवड़ भी शामिल हुए। वहीं इस कांवड़ यात्रा में बांग्लादेश में हो रही हिंसा का तगड़ा विरोध देखने को मिला। कई लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में बैनर पोस्टर लिए चल रहे थे। कांवड़ यात्रा के संरक्षक और विधायक उमाकांत शर्मा ने भी बांग्लादेश में चल रही हिंसा पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी पत्र लिखा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना भेजकर बांग्लादेश में शांति स्थापित करने की मांग की गई है। हम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, बांग्लादेश के लोग सावधान हो जाएं। अगर हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, मारे गए, काटे गए तो हम भी प्रत्युत्तर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की मांग करी? हाँ, मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए हमारी समिति की ओर से पत्र लिखा है। वहाँ व्यवस्था लगा के, सेना लगा के अंतर्राष्ट्रीय हिंदुओं की रक्षा की जाए।